जय जितेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 1:01 हुई है तो आप लोगों ने मेरा पहले वाला वीडियो भी देखा था, जिसमें मैंने पीएल बताया था। 24 तारीख की शाम को वीडियो में बताया था कि पीएल ले लीजिए, और 25 और 26 में उसने 80% का रिटर्न दे दिया होल्डिंग वाले को। मैंने सबको बोला था डिलीवरी लीजिए, टारगेट 1400 रुपया है, 623 पे सजेस्ट किया था, उसका लो था उस दिन का 606। पीईएल, पीरामल इंटरप्राइज लिमिटेड, तो उसने 1014-19 का कल हाई मार दिया। सिर्फ 2 ट्रेडिंग डेज में वो 80% आपको रिटर्न दे दिया, ऐसे मार्केट में जहाँ कोरोना का डर है। चलिए, आज एक और शेयर मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, इतनी क्वांटिटी लीजिएगा। कुछ लोग तो ऐसे बोलते, सर मैंने 5,000 ले लिया है। ऐसा मत करिएगा, 1,000-2,000 स्क्रिप्ट ले लीजिए। जैसे ये 17-18 रुपये की है तो 2,000 मैक्सिमम लीजिए आप क्वांटिटी। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूँ। मैंने जो बोल दिया, जैसे पीईएल चल गया तो ये भी सीधा 100% का रिटर्न तुरंत दे देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने उसका 2 साल का टारगेट 1400 दिया था, लेकिन वो किस्मत से 2 ही दिन में 1019 आ गया, 80% का रिटर्न दे दिया ऐसे मार्केट में, 2 दिन में डिलीवरी में। तो अब देखते हैं हम लोग एनसीसी की कहानी। एनसीसी क्या है, सबसे पहले इसका डैशबोर्ड ऑन करता हूँ, आप लोग को लाइन से बताता हूँ। इसके इसके यहाँ पे जाइएगा तो आपको दिखेगा वेरी निगेटिव नियर टर्म डाइवर्स क्वार्टरली फाइनेंशियल ट्रेंड निगेटिव है। फिर भी मैं इसको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ मैं बताऊँगा अभी। इस तरह की रिसर्च मैंने आपको जो शेयर कर रहा हूँ, इसकी लोग लाखों रुपया कीमत लेते हैं। क्या लेते हैं? लाखों रुपया, एक एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ढूंढने के लिए, स्क्रिप्ट डिलीवरी वालों के लिए लोग लाखों लाखों की कीमत लेते हैं। मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सबसे प्यार करता हूँ। जो भी मेरा चैनल देखता है, चाहे वो मेरा विरोधी है, मेरे लिए वो मेरा घर का मेंबर है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, निगेटिविटी मेरे चैनल में नहीं फैलाइए। कोई भी व्हाट्सएप मुझे फालतू करोगे, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मत करना। आई डोंट केयर एट ऑल वाट एवर एनी वन सेज अबाउट, क्योंकि जब हाथी चलता है कुत्ते भोंकते रहेंगे। डॉग्स का काम ही बार्किंग, बिकॉज उनको पता हाथी के मुकाम तक वो कभी पहुँच नहीं पाएंगे। तो लेट अस, ये देखिए कितना खराब इसका दिखा रहा है, लेकिन क्वालिटी इसकी एवरेज है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे, ये कंपनी कैपिटल गुड्स सेक्टर में रैंक नंबर 13 है। इन स्पाइट ऑफ सच बैड फिगर्स, ये कंपनी कैपिटल गुड्स सेक्टर में क्या है, रैंक नंबर 13 आउट ऑफ 85 कंपनीज इन कैपिटल गुड्स सेक्टर। तो बहुत अच्छी बात है, 85 कंपनी में इसका स्थान 13वां है, बहुत बड़ी बात है। क्वालिटी इसकी एवरेज बता रहा है। लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स माइल्डली पॉजिटिव। वैल्यूएशन बोल रहा है वेरी अट्रैक्टिव है एट द करंट स्टॉक प्राइस। फाइनेंशियल प्रमोट ये देख आप पढ़ सकते हो, इसका 52 हफ्ते का लो भी देख लेते हैं हम लोग। ये क्वालिटी स्कोर कार्ड है इसका, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इसका, कोई रिस्क नहीं है, मैनेजमेंट को गुड क्वालिटी दे रहे हैं लोग। क्वालिटी इसकी जो ग्रोथ है वो एवरेज है। कैपिटल स्ट्रक्चर इसका जरूर खराब है, प्राइस देख लेते हैं सबसे पहले, प्राइस इसकी, बाकी बाद में देखेंगे। प्राइस देखिए इसकी, इसका 52 वीक हाई दोस्तों 119 रुपया, कितना, और आज का लो है 1750 जो अभी चल रहा है। 119 रुपये का माल 17 रुपये में मिला, इसका मतलब नहीं है कि अच्छा हो गया, ये 7 रुपया भी जा सकता है, समझेगा मेरी बात को, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ। लेकिन क्यों लेने बोल रहा हूँ उसका रीज़न दे रहा हूँ, चिंता मत करिए। इस वीडियो को आप लोग इतना लाइक करिएगा, तब मैं ऐसे वीडियो बीच बीच में बनाऊँगा जो इन्वेस्टर है उनके लिए। अब आ जाइए इसकी क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी तो हमको पता चल गया इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, एवरेज है। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए इसको, इसके जो की फैक्टर्स है वैल्यूएशन के, इसका पी रेशियो 2.2 है, मतलब आपको 1 रुपये की जगह 2 रुपये 20 पैसे ही चुकाना पड़ रहा है।
ऐसा बहुत रेयर मिलता है आपको पी रेशियो 2 या 3, ठीक है। तो ये बहुत सस्ती मिल रही है आपको, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.24, मतलब 1/4 प्राइस में मिल रहा है बुक वैल्यू की प्राइस से। तो ये इसके बावजूद इसका डिविडेंड यील्ड 8.21% है। आप सोचो इस शेयर का डिविडेंड यील्ड 8.5% है। अब इसका वैल्यूएशन का स्नैपशॉट देखिए आप, वेरी अट्रैक्टिव क्यों लिख रहा है ये बोल, इसके हिसाब से जब ये 47 से 78 आता तो भी अट्रैक्टिव हो जाता है, और बिलो 47 ये वेरी अट्रैक्टिव है। इसका मीटर बता रहा है, खाली एक्सपेंसिव इसको कब बता रहा है, जब 166 क्रॉस करेगा। तो हमारा तो अगर 34 आ गया तो पैसा डबल है यार, है ना। तो मतलब ये अट्रैक्टिव प्राइस पे भी आ गया 47 तो भी हमारा पैसा 3 गुना हो गया यार। हाँ भाई करेक्ट बोल रहा हूँ, आज 17.50 रुपये में मिल रही। तो इसको आँख बंद करके खरीद सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी मैंने हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, कोई कितना भी आप करोड़पति हो अरबपति हो, डोंट शो मी कि मैं 1 लाख शेयर ले सकता हूँ सर, मत लेना। जो ऐसे ऐसे काम किए वो आज तक रास्ते पे आ गए, रोड पे। मैंने कई करोड़पति को कह हटते हुए देखा उनका, इस मार्केट में कई करोड़पति था इंक्लूडिंग मी, उसका कह हट गया और वो रोड़पति रह गया, ठीक है, हिंदी वाला कह। तो आ जाइए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है वो भी बताऊंगा मैं। इसके अंदर देखिए शेयर होल्डिंग में सॉरी कुछ गलत दब गया मुझसे, इसके प्रोमोटर 18% ही होल्ड करते हैं इसमें, लेकिन FI जो है वो 17.73% होल्ड करती है। और FI की जो होल्डिंग है वो 0.35% से इंक्रीज हुई है, म्यूचुअल फंड ने 4% से होल्डिंग कम की है। अब आ जाइए इसके शेयर प्लेज भी है, इसके शेयर्स प्लेज भी है, कहाँ गया इसका शेयर होल्डिंग का काम, कहाँ गया इसका, इसमें आ जाएगा डैशबोर्ड में देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग इसमें डैशबोर्ड में दिख जाएगा किसने किसके पास कितने शेयर है वो देख लेते पहले। बड़ी बड़ी लोगों ने इसका रिकमेंडेशन भी दिया था। चलिए मैं आपको इसका एक एक कारण बताता हूँ क्यों खरीदना इसको। देखिए इसका देखिए प्लेज होल्डिंग जो है पहले 42.72% था प्लेज, 2018 में दिसंबर में इसका प्लेज शेयर थे 42.72, 19 में भी ये थे मार्च में, जून में 41% हो गई प्लेज होल्डिंग, मतलब प्रोमोटर्स ने उतने शेयर छुड़वा लिए, और सितंबर 2019 में 36.38 हो गया और 36.37 पे आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कंपनी में प्रोमोटर्स का इंटरेस्ट है, इसीलिए वो प्लेज होल्डिंग को कम करते जा रहे हैं। प्लेज मतलब गिरवी रखना, शेयर्स को प्रोमोटर्स ने गिरवी रख दिया लोन लेने के लिए। तो ये इसमें वीक पॉइंट है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि इसकी प्लेज होल्डिंग रिड्यूस हो रही है, और ये वैल्यूएशन इतनी अट्रैक्टिव है कि मुझे लगता है कि अगले 3 महीने या 6 महीने में ही ये 17 का माल आपको 40 तक जा सकता है। एक साल का मेरा टारगेट है 40 रुपीज़, एक साल का मेरा टारगेट है 1 ईयर का, यानी कि आज की तारीख है 27 मार्च, तो मैं 27 मार्च 2021 तक का इसका टारगेट 41 रुपीज़ का दे रहा हूँ। लेकिन रिक्वेस्ट है उतनी क्वांटिटी लीजिएगा जितना आप, क्योंकि ऐसे मैं बहुत सारी स्क्रिप्ट बताने वाला हूँ धीरे धीरे, एक दो दिन में, हर 3-4 दिन में, तो इसको आप ले सकते हो। स्टॉप लॉस आप इसका रखिएगा, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, फिर भी आप 11 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए इसका, 11 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, 41 का टारगेट, 11 का स्टॉप लॉस,
41 का टारगेट। इसकी करंट प्राइस भी हम लोग एनएससी की साइट पे देख लेते हैं, आज की करंट प्राइस। चलिए एनसीसी, और ये वेबसाइट भी पुरानी है ना, एनसीसी शेयर का नाम है एनसीसी लिमिटेड। चलिए इसकी अभी करंट प्राइस चल रही है 17 रुपया 55 पैसा, आज का कल की क्लोजिंग 17.95 है, आज का ओपनिंग 18.40 है, हाई 19.25, लेकिन अभी 17.55 चल रहा है। इसका 52 वीक हाई 119 है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। कंपनी की इंफॉर्मेशन देख लीजिए आप, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रोमोटर के पास 18% है, पब्लिक के पास 81% है इसके हिसाब से, लेकिन इसमें FI कितने हैं वो सब मैंने वहाँ दिखाया आपको, तो FI ने इंक्रीज भी किया, तो ये डेफिनेटली बाई बनता है। 119 का माल इस साल का अब 17 रुपये में मिल रहा है, और इसके प्लेज होल्डिंग कम होते जा रही है, और डिविडेंड पेइंग कंपनी है, आप देख सकते हो, ये देखिए, तो बहुत अच्छी कंपनी है अगर आपको इस रेट में मिल रही है तो। बस इसको आप लाइक दबाइएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।